हेलो एवरीवन, मैं हूं अमनिंदर अंताल एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ समाधान सीरीज। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ रीसेंट एंड फ्यूचर सोशल कैंपेन्स एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में जो सोसाइटी की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किए गए हैं, जिससे एक बेटर, ब्राइटर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर बिल्ड किया जा सके। सो, हमारी पहली न्यूज़ है मिशन डिजिटल लिटरेसी, जो कि हिंडर्स द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट है, जिसके अंडर अब तक 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को बेसिक एजुकेशन एंड एडॉल्सेंट्स को स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है। ये प्रोजेक्ट इंडिया के उन 400 प्लस विलेजेस में लॉन्च किया गया था जहां लिटरेसी लेवल्स एवरेज लिटरेसी रेट से कम है, जैसे कि यूपी, बिहार एंड झारखंड। नेक्स्ट न्यूज है अर्बन फॉरेस्ट इनिशिएटिव। हाल ही में दिल्ली एनसीआर रीजन के मयूर विहार के एमपीएल पार्क को अर्बन फॉरेस्ट में तब्दील किया गया है बाय यूजिंग मियावाकी टेक्निक ऑफ फॉरेस्टेशन। ये प्रोजेक्ट डीसीबी बैंक ने सीएसआर इनिशिएटिव, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर ग्रीन यात्रा एनजीओ के साथ मिलकर लिया है, जिसमें जून 2021 से लेकर अब तक 7000 इंडिजीनस प्लांट वैरायटीज की सैपलिंग्स लगाई गई हैं। अब चलते हैं हमारी थर्ड न्यूज पर, जो है ग्लोबल यूथ पीस फेस्ट, जो कि ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है चंडीगढ़ में फ्रॉम 30 सितंबर टू 2 अक्टूबर बाय यूथ सत्ता एनजीओ। इस फेस्ट का एम है यूथ लीडरशिप को प्रमोट करना एंड सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाना ग्लोबली। ये फेस्ट यंग जनरेशन को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है थ्रू वर्कशॉप्स, डिस्कशंस एंड एक्टिविटीज, सो दैट ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस किया जा सके, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, एनवायरमेंट एंड पीस। हमारी नेक्स्ट न्यूज है प्रोजेक्ट आश, जो कि अहमदाबाद के आसमान फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस एम के साथ कि स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जा सके, जिससे अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स की बेटर स्कूलिंग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। इसी प्रोजेक्ट के अंडर 2021 एंड 2022 एकेडमिक ईयर के लिए 24 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की गई है। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है आत्मनिर्भर सेवा किचन, जो कि आत्मनिर्भर सेना द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कोविड के पहले से भी पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिलीज को न्यूट्रिशियस मील्स एंड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने की हेल्प कर रहा था। आफ्टर कोविड दे हैव स्टार्टेड वर्किंग मोर विग्रसली एंड एटलीस्ट 2000 डेली वेज लेबरर्स एंड अदर नीडी पीपल को उन्होंने न्यूट्रिशियस मील्स प्रोवाइड की। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंडर गवर्नमेंट के साथ मिलकर फार्मर्स को इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स एंड सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जा सके। आज की हमारी लास्ट न्यूज़ है केयर इंडिया के स्टेम वेबिनार से रिलेटेड। ये वेबिनार 9 जुलाई 2021 को ऑर्गेनाइज करवाया गया था एज अ कम्बाइंड इनिशिएटिव ऑफ JPEC एंड केयर इंडिया, जिसे 4000 से भी ज़्यादा टीचर्स एंड एजुकेटर्स ने अटेंड किया। इस वेबिनार का एम था टीचर्स एंड एजुकेटर्स को स्टेम स्किल्स से इक्विप करना एंड उन्हें ऐसी अप्रोच फॉलो करने के लिए प्रमोट करना जिससे मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन को स्टेम स्किल्स सिखाई जा सके। इसी के साथ इट्स द एंड ऑफ आवर टुडेज एपिसोड, बट नॉट द एंड ऑफ सोशल एक्टिविज्म। हम इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में और जानते रहेंगे। हाउएवर, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोजेक्ट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वेब लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे हमारा आने वाला कल बेटर, ब्राइटर एंड सस्टेनेबल बन सके। थैंक यू।